लेसिंग करवाई है ये काम, अपने भतीजे से लेसिंग से करवाई है। बिहार के चर्चित रिंटू सिंह हत्याकांड में नीतीश सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने सफाई दी है। बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सरसी के रिंटू सिंह हत्याकांड में मेरा नाम घसीटकर मेरी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि मृतक की पत्नी द्वारा सरसी थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि रिंटू सिंह की हत्या की साजिश लेसी सिंह की राजनीतिक रंजिश है, क्योंकि रिंटू सिंह आगामी विधानसभा चुनाव का संभावित उम्मीदवार था। सिंह करवाई है ये काम, अपने भतीजे से लेसी सिंह से करवाई है। हमको मांग है यही है कि प्रशासन आए, यहाँ का नहीं आए, बाहर का आए, SDO SP जो भी हो आए वो करे। हमको इस पे जो है ना इतना सा भी भरोसा नहीं है, इतना सा भी भरोसा ही नहीं है। परिजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है। परिजनों का आरोप था कि थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है, तो कल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और अभी परिजन जो बयान देंगे उसके आलोक में हम लोग आगे कार्यवाही कर रहे हैं। लगातार छापेमारी चल रही है, कुछ नाम चिन्हित हुए हैं। जो अपने आप में दर्शाता है कि मुकदमा में मेरा नाम घसीटने के लिए आरोपी बनाया गया है। अभी विधानसभा चुनाव में 4 वर्ष का समय है, कौन उम्मीदवार होगा ये किसी को पता नहीं। विपक्षियों की साजिश है कि लेसी सिंह की लोकप्रियता को कम किया जाए, उन्हें मुकदमे में उलझा कर जनसेवा व गरीबों की मदद करने से दूर किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो हम जब सुने FIR में दिया गया है तो हम तो हतप्रभ रह गए। जो FIR में दिया गया है, हम पर आरोप लगाया है कि संभावित उम्मीदवार हो सकते थे रिंटू सिंह, इसीलिए हम उनका ये करवाए, इसमें हमारी भूमिका है। तो ये तो हम सुन के ही हतप्रभ रह गए कि ये संभावित में अभी तो 4-1 साल चुनाव हुआ है, अभी 4 साल बाकी है, कौन होगा कौन नहीं होगा, सैकड़ों हो सकता है। तो पहले तो FIR में ही जो मेरा मुझ पर आरोप लगाया सुन के हम हतप्रभ रह गए। तो इसमें तो कहीं से हमारी सरकार जांच कराएगी, सरकार हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में सबको भरोसा रखना चाहिए कि यहाँ किसी को न फंसाती है हमारी सरकार, न किसी को बचाती है। उसमें पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।